यार मैंने पहले ही कहा था समुंदर में इतना आगे मत आओ, भड़कने लेने के देने घर कैसे जाएंगे। अरे चिंता मत करना यार, अपना भोला है ना, जादू है इसके हाथों में, जल्दी ठीक कर देगा ये। हाँ बहुत बड़ा जादूगर है, 3 घंटे से पेट तो ढीला नहीं कर पा रहा है। अरे हो जाएगा ना, टेंशन काहे को लेता है। अरे यार क्या बोला, मैंने तुझसे भला बुरा कह दिया यार, सॉरी यार। हेलीकॉप्टर इतना नीचे क्यों उड़ रहा? यार लगता है इसका ना पेट्रोल खत्म हो गया है। यार तू भी ना, कोई जिंदा हुआ तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे वहां जाके। ये अपनी इंसानियत उधारी देकर आया है क्या? अरे नहीं यार, ये इंसानियत छोड़ने हम लोग नहीं जाएंगे वहां पे यार। पागल, चल चल। अरे ये क्या यार, फंस गए हम लोग। सीआईडी ब्यूरो कब कब हुआ ये? ओ ठीक है, हम लोग देखते हैं। सर सर विशाल के भाई का फोन था, विशाल अपने चॉपर में अपने फार्म हाउस जा रहा था कासिद। अब ना चॉपर का पता चल रहा है ना विशाल का। क्या मतलब प्रीति का डर सही था? अरे बेबी तुमने बेवजह सीआईडी वालों को यहाँ बुला के परेशान किया। सर आप तो जानते हैं ना ये औरतें कितनी इमोशनल होती हैं, छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हैं। बेबी घबराओ नहीं तो और क्या करूं। सर पिछले 6 महीने से रोज इन्हें धमकियां मिल रही है जान से मारने की, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत गंदे गंदे फोन कॉल्स आते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं दूसरा पति ढूंढना शुरू कर दूं। वैसे जरा शुरू से बताएंगे क्या हुआ क्या है? सर बड़ी छोटी सी बात है, हर बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है, कभी कंपनीज को प्रॉफिट होता है कभी लॉसेस होते हैं। इस बार हमारी कंपनीज को काफी लॉसेस हो, इसीलिए कर्जदार अपने पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। सिर्फ कर्जदार ही नहीं, वो यूनियन लीडर प्रकाश, वो भी भैया के बुरे वक्त में उनका साथ देने के बजाय सबके दिलों में उनके खिलाफ जहर घोल रहा है। सर ये देखिए, कल उनकी गाड़ी पे किसी ने ये चिपका दिया। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर सर ये बस उन वर्कर्स का गुस्सा है और कुछ नहीं। एक दिन उनका यही गुस्सा तुम्हारी जान ले लेगा। सब कुछ नहीं होगा बेबी, डोंट गेट हाइपर। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सारे कर्जदारों को सारे एम्प्लॉयज को उनका पूरा पैसा लौटाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने असेट्स अपनी कंपनीज यहां तक के इस घर को क्यों ना बेचना पड़े। रणवीर जी भैया, तुम आज ही सारे कर्जदारों सारे एम्प्लॉयज को फोन करो, उन्हें कह दो कि 1 महीने के अंदर मैं उनका सारा पैसा चुका दूंगा। जी भैया। सर एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, जब तक ये कर्जदारों का झंझट खत्म नहीं हो जाए आप लोग विशाल को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हैं प्लीज। बेबी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, अरे 24 hours मेरे साथ सिक्योरिटी होती है, क्यों बेवजह इन्हें परेशान कर रही हो? सर शी जस्ट लव्स मी और कुछ नहीं है, आप
आप यहाँ पे आए उसके लिए रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना और अगर जरूरत पड़े तो फोन करना, ठीक है? श्योर। और आज की ताजा खबर ये है कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन विशाल कुमार अपनी पत्नी के साथ लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विशाल कुमार अपनी पत्नी के साथ इस चॉपर पर काशिद जा रहे थे, लेकिन चॉपर काशिद पहुंचा ही नहीं। इस चॉपर पर पायलट के साथ 5 लोग और थे। अब इस चॉपर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला मैसेज बता सकते हैं जो है इस चॉपर के पायलट की मदद की गुहार। मेडे, मेडे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? मेरे काबू में कुछ नहीं है, मेडे। ये वो आखिरी संदेश है जो कि एक रहस्य की ओर इशारा करता है, जिसकी गुत्थी इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। आखिर कहाँ गया ये चॉपर? और अब लगता है कि इस सवाल का जवाब मिल गया है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे स्टूडियो से लाइव। कुछ लोगों ने एक चॉपर को आग की लपटों में नीचे गिरते हुए देखा है। ये एक बेहद ही दुखद समाचार है, क्योंकि इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि इस दुर्घटना में कोई भी जिंदा बचा होगा या नहीं। ये कैसे हो सकता है? अभिजीत, जा करके देखो ये चॉपर कहाँ पर क्रैश हुआ और कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। इस तरफ। जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, चॉपर का एक एक पुर्जा अलग हो गया। ये तो पता चल गया कि चॉपर यहाँ पे गिरा है, जो भी सुराग मिलेगा यहीं से मिलेगा। लेकिन अभिजीत, समंदर में सुराग ढूंढना कोई आसान काम नहीं है यार। ये तो है यार। महेश सर, कुछ मिला? हाँ सर, हेलीकॉप्टर के कुछ पार्ट्स मिले, सीट्स मिली है सर, लेकिन सर एक लाश भी मिली है। सर, ये लाश विशाल की है या वो पायलट की? सर, लाश को पहचानना मुश्किल है। पंकज एक काम करो, ये हेलीकॉप्टर के पुर्जे और लाश फॉरेंसिक लैब भेज दो, अफसरों के साथ ही कुछ बता सकते हैं। जीत, महेश जरा बायनोकुलर देना। क्या क्यों देखो? वहां कोई लवर इस नाव है, नाव में कोई दिख तो नहीं रहा। सर, आजकल के जमाने में कोई अपना घर या दुकान भी अकेले छोड़ के नहीं आता है। ये तो पूरी की पूरी नाव यहाँ पे लवारिस खड़ी है। पंकज, दो ही सूरतों में लोग अपनी चीजें छोड़ते हैं, एक या तो उनके लिए बेकार हो, और दूसरी सर, और दूसरी जब वो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। नाव तो बेकार दिख नहीं रही, तो जरूर ये नाव उनके लिए मुसीबत बन गई होगी।
तीन तीन लाशें। तीनों को गोली मारी है। क्या हुआ, क्या होगा यहाँ पे? कोई गैंग वार या इन तीनों ने कुछ ऐसा देख लिया जो इन्हें देखना नहीं चाहिए था? जिस किसी ने भी गोली मारी है वो यहाँ पे किसी दूसरी नाव से आया होगा, या फिर गोली मारने के बाद किसी दूसरी नाव से गया भी होगा। अभिजीत, खाने के चार प्लेट्स हैं। चार प्लेट्स और चार बैग भी हैं। तीन लाशें और चार प्लेट, मतलब कोई और भी था? कोई ज्यादा था इनके साथ में? या तो वो मुजरिमों के साथ मिला होगा, या फिर बच के भाग गया, या फिर सर चौथी लाश होगी तो किसी ने पानी में भी डाल दी होगी। यार अब सवाल ये उठता है, ये तीनों खून उस चॉपर वाले केस से जुड़े हुए हैं, या फिर यहाँ कोई अलग अपराध हुआ इस समंदर में? पता लगा लिया, तारिका तिनके का पता लगा लिया। नाम क्या है उस तिनके का? नाम है कंपोला बॉडी टॉक्साइड। कंपोला बॉडी टॉक्साइड? यस। ओह माय गॉड, मतलब इस चॉपर का एक्सीडेंट नहीं हुआ? करेक्ट, इस चॉपर का एक्सीडेंट नहीं हुआ तारिका, इस केमिकल के जरिए इसमें ब्लास्ट करके इसका एक्सीडेंट करवाया गया है। क्या कहा तूने? कंपोला बॉडी टॉक्साइड? हां बस, इस कंपोला बॉडी टॉक्साइड से ही बम बनाया, उस बम से उस चॉपर में ब्लास्ट कर दिया। अच्छा, कैंपोला बॉडी टॉक्साइड से, तो उस लाश के बारे में क्या पता चला? वो मैं जल्दी बताता हूँ। यार सांगे, जल्दी बता, हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि पता चल चुका है कि विशाल की मौत ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक वेल प्लान्ड मर्डर था। मर्डर? क्या भैया के चॉपर में बॉम्ब? जी हाँ, विशाल के चॉपर में बॉम्ब था। वैसे क्या लगता है आप दोनों को, कौन कर सकता है ये, किसने किया होगा? सर ये काम तो किसी का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना चेकिंग के तो बॉम्ब तो क्या एक सुई तक लेके जा नहीं सकता कोई। आपकी तारीफ? सर ये मिस्टर शेखर हैं, भैया के सिक्योरिटी चीफ। शेखर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, आपकी लापरवाही की वजह से हुआ ये सब। सर मैं कैसे लापरवाही कर सकता हूँ, मैंने आज तक अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, इसीलिए विशाल सर का आज तक कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया सर। पता नहीं सर इस बार कैसे हो गया ये। वाकई में इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, चॉपर में चढ़ने वाले हर आदमी की पूरी चेकिंग की जाती है। वैसे आप? सर मेरा नाम नताशा है, मैं विशाल सर की कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अगर वाकई सिक्योरिटी इतनी टाइट थी तो फिर बॉम्ब चॉपर के अंदर ब्लास्ट हुआ कैसे? सर हाँ, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने मिसाइल की तरह नीचे से ऊपर चॉपर पे निशाना साधा है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर वहां समुंदर में वो नाव भी तो थी जिसमें वो मछुआरे थे जो बेचारे मर गए, शायद उन्होंने मुजरिमों को देखा होगा ये सब करते हुए। सर तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कदम रखने की? आज मैं तुझे चांस से मार दूंगा। एक मिनट, कौन है ये आदमी? सर यही है वो यूनियन लीडर प्रकाश। सर इसी ने मारा मेरे भाई को, इसे अरेस्ट कर लीजिए। साहब मैं उन्हें क्यों मारूंगा? तू ही धमकी दे रहा था ना। अरे लेकिन मैं विशाल साहब को क्यों मारूंगा, मैं तो यहाँ शोक जताने आया था। वाह ये अच्छा है, पहले इंसान को मार दो और फिर आके मगरमच्छ के आंसू बहाओ। साहब ये सच है कि हम लोगों ने उनको धमकी भेजी थी, लेकिन हमने विशाल साहब का नमक खाया है। अरे उनको जान से मारने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते साहब। तो फिर क्यों दी धमकी? साहब
जब से उनकी कंपनी में घाटा हुआ ना जाने कितने घरों में चूल्हे बंद हो गए। अब भूखे पेट दुआ तो नहीं निकलेगी ना साहब। गुस्सा था बस। विशाल साहब को मार के हमें क्या मिलेगा? हमारा फायदा तो इसमें था कि वो जिंदा रहते, हमें हमारे पैसे मिल जाते। और साहब उन्होंने तो वादा भी किया था कि तुम सबके पैसे बहुत जल्द मिल जाएंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। सर इसे ब्यूरो ले चलते हैं। नहीं फ्रेडी, ये प्रकाश झूठ नहीं बोल रहा है। विशाल की मौत का जिम्मेदार कोई गरीब मजदूर नहीं, कोई उसका आमिर दुश्मनी है, कोई ऐसा आमिर जो विशाल की मौत किसी भी कीमत पर चाहता है। एक काम करो, विशाल के सारे अकाउंट्स की छानबीन करो, अच्छी तरह से देखो, पता लगाओ क्या कर्जे से बचने के लिए उसने कोई बंदोबस्त किया था क्या। सर जिस नाव में मछुआरों की लाशें मिली हैं उनका पता चल गया है, वो अजय नाम है सर उसका, वो चौथा आदमी वही था जो गायब है। सर हो ना हो, चॉपर ब्लास्ट में और मछुआरों के मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हाँ सर, अजय के घर जा रहे हैं पूछताछ करने। ओके सर। अरे ये अजय का घर कहाँ है? वहाँ लेफ्ट में। लेफ्ट में? हाँ। थैंक यू। सर मैं अजय का पिता और ये अजय की माँ है। और आप लोग कौन? जी सर, हम अजय के चचेरे भाई हैं। जैसे पता लगा सर कि अजय गायब हो गया है तो हम इनकी मदद के लिए आ गए। हम जानते हैं इस वक्त आप लोग काफी परेशान होंगे, पर अजय को ढूंढने के लिए हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। कोई खबर मिली अजय की? कब कोई फोन वगैरह आया हो? अभी तक कोई फोन नहीं आया सर। आप लोग उम्मीद मत हारिए, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अजय कहाँ है। उम्मीद कैसे न खोए, जिसका बेटा खो गया हो और उसके साथियों की लाशें मिली हो तो आप सोच सकते हैं कि माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। हम आपका दुख समझते हैं। पूरा गांव अजय को ढूंढ रहा है पर वो मिल ही नहीं रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको फौरन खबर कर देंगे। और इस दौरान अगर अजय आप लोगों को फोन करता है तो हमें जरूर बताइएगा। जी सर। सर अगर ये अजय जिंदा होता तो एक बार घर पे फोन तो करता ना। हो सकता है उसे मौका ना मिला या कहीं मुजरिम तो नहीं उठा ले गए उसे। हो सकता है जब उसे पता चला कि उसकी जान को खतरा है तो कहीं चुपके बैठा होगा। यार उसकी नाव किनारे से 40 किलोमीटर अंदर समंदर में थी, इतनी दूर तो वो अकेले तैर के आ नहीं सकता। या तो दुश्मन की नाव में बैठ के निकल गया होगा या फिर किसी दूसरे नाव वाले से उसने मदद मांगी होगी। ठीक है, जेट्टी चल के पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उसे देखा हो या मदद की हो। बॉस ये तो कंफर्म हो गया है कि वो लाश विशाल के बॉडीगार्ड की, लेकिन अभी मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़ी खबर देने वाला। बड़ी खबर? सालू के साथ आपकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दिया। जल्दी बता। पूर्वी तो पायलट वाली ऑडियो क्लिप एक बार फिर से सुना। सर मेरे मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे काबू में कुछ नहीं है। मेरे एक बार फिर से देखो। मेरे मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे काबू में कुछ नहीं है। कहना क्या चाहता है? बस ये आवाज गौर से सुनी तो मुझे लगता है पायलट की आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही है। हाँ, डर के मारे आवाज कांप रही है। नहीं नहीं ये डर नहीं है, बस ये किसी नशीली चीज की वजह से। सर मतलब पायलट ने चॉपर उड़ाने से पहले? चॉपर उड़ाने से पहले नहीं, दारू नहीं पी थी। बस बॉडीगार्ड की लाश को जब मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो मुझे उसकी लाश में एक नशीली दवाई के ट्रेसेस मिले, और जिस तरीके से इस पायलट की आवाज लड़खड़ा रही है मुझे पक्का यकीन है इसे भी वही नशीली दवाई दी गई। यार सारुण की एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये खूनी इन सबको वैसे ही मारने वाला था तो फिर उसने बेहोशी की दवा क्यों दी? सर अगर पायलट और बॉडीगार्ड को दवाई दी गई है तो फिर
बाकी पैसेंजर्स को भी दवाई दी गई होगी। एग्जैक्टली दी गई थी बस, मुझे लगता है चौपर में जितने भी लोग थे सबको ये नशीली दवाई दी गई थी। और जब मैंने लाश को अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो पता लगा कि ये दवाई 6 से 7 घंटे पहले दी गई थी। चौपर के क्रैश होने से ठीक 6-7 घंटे पहले चौपर उड़ा था विशाल के घर से, तो फिर चौपर में खाने पीने का सामान भी तो विशाल के घर से ही आया होगा। मतलब जो भी गड़बड़ हुई है विशाल के घर में हुई है, विशाल के घर में। ओह व्हाट नॉनसेंस, घर के खाने में कोई बेहोशी की दवा क्यों मिलाएगा? वो तो वही बताएगा ना जो घर का खाना बनाता है। वैसे आपके घर का खाना कौन बनाता है? ओहो तानिया जी, आप बनाती है खाना? वाह सर, आज भी बढ़िया खुशबू आ रही है किचन से। क्या बना है खाने में? पालक पनीर, खाएंगे आप? अरे नहीं नहीं फ्रेडी, चखने की सोचना भी मत। पता नहीं आज भी कुछ खाने में डाल दिया हो तानिया जी। सर आप ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते मुझ पर, और उस दिन भाभी खुद आई थी मेरे साथ खाने में हाथ बटाने के लिए। अरे वाह ये अच्छा है, जो मर गया उसी पे इल्जाम डाल दो। सर आप इस तरह मेरी बेबी की इंसल्ट नहीं कर सकते, घर में इतने सारे लोग हैं, अगर घर में किसी ने खाने में कुछ मिलाया भी हो तो जरूरी नहीं कि वो तानिया ही हो। लेकिन वजह तो सिर्फ तुम दोनों के पास थी। विशाल और प्रीति की मौत के बाद कंपनी तुम दोनों के नाम पर होगी। सर आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, डूबी हुई कंपनी मेरे नाम ना ही हो तो ही बेहतर है। वैसे उस दिन किचन में कौन कौन था तुम्हारे अलावा? उस दिन बहुत सारे लोग आए थे और मुझे अच्छे से याद है उस दिन मैंने हलवा बनाया था। विशाल भैया खुद किचन में आके हलवा चख कर गए थे। विशाल भी आया था किचन में? सर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि उस दिन से पहले कभी भैया किचन में नहीं आए। शेखर हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त तुम हर एक की अच्छी तरह से चेकिंग करते हो ना? यस सर। क्या विशाल की भी चेकिंग की थी? सर विशाल सर को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ सर, वो मालिक है मेरे। फ्रेडी मछुआरों के गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, एक एक घर ढूंढो, वो अजय मछुआरा मिलना ही चाहिए। अगर अजय मिल गया तो समझ लो ब्लास्ट की वजह भी पता चल गई, क्योंकि अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। विशाल कर्जे में डूबा था, अब कर्जे से निकलने का सबसे आसान तरीका है मौत, खुद की मौत, खुद की झूठी मौत। अरे सुनो भाई, ये अजय के साथ जो कुछ हुआ पता ही होगा ना, आप लोगों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की? देखो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग CID से हैं। अगर तुम लोगों ने मदद नहीं की तो किसी और ने की होगी, अगर जानते हो तो बता दो। देखिए अजय हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमें कुछ मालूम होता तो हम अब तक बता दिए होते। अच्छा जहाँ पे अजय की नाव मिली थी वो जिसमें लाशें थी, वहाँ और कोई भी जाता तुम लोगों में से मछली पकड़ने? नहीं साहब, उतना अंदर समंदर में कोई नहीं जाता, पता नहीं अजय अपने साथियों के साथ कैसे उतना अंदर चला गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसा अजय के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ कुछ हुआ है अजीब, रोज से कुछ अलग, गांव में, समंदर में, यहाँ जेटी पे, कुछ अजीब सा देखा हो सुना हो? पक्का तो नहीं कह सकता साहब, पर आप एक बार मदन से मिल सकते हैं, वो शायद अजय के बारे में कुछ जानता हो। क्यों ऐसा क्यों लगता तुम्हें? साहब मदन को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है और वो रोज की तरह आज जेटी पर भी नहीं आया है। वो अपने बोट की पेंटिंग भी करा रहा है साहब, लग रहा है जैसे कुछ छुपा रहा है। कहाँ मिलेगा मदन, रहता कहाँ वो? ये मदन तुम ही हो? हाँ साहब, आप लोग कौन? तुम्हारे रिश्तेदार CID। अरे CID वाले, तुम अजय को जानते हो ना? मदद की थी तुमने उसकी, हाँ?
एक बता दे वरना हमारा हाथ उठ जाएगा। साहब, अजय मुझे जख्मी हालत में बीच समंदर में उस हेलीकॉप्टर के मलबे के पास मिला था। मैं उसे अपनी नाव में लेकर किनारे तक लेकर आया। अजय बहुत डरा हुआ था साहब। मेरा फोन ले, 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 बात कर, ले, घर बात कर ले, एक बार आराम से, घबरा मत तू। कर ले, हो गया, आजा, आराम, आराम से, आराम से, आओ रहा। अरे अरे तू कहाँ भागा आ जाए, अरे तू क्यों भागा, अरे तू लोग कौन है, कौन है तू लोग, तू मार रहा मुझे, अरे अरे मुझे क्यों मारे साहब? उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। और वो अजय, अजय का क्या हो? अरे साहब बताया तो, अजय भाग गया और उसके पीछे वो गुंडे लोग गए, उन लोगों के हाथ नहीं आया तो उन लोगों ने मुझे ही पीट डाला। चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसके कहने के हिसाब से अजय ने अपने घर वालों को फोन किया था, जबकि उसके घर वाले बोल रहे थे कि अजय ने कांटेक्ट किया ही नहीं। अजय के घर वाले कुछ नर्वस लग रहे थे वैसे, कहीं इनकी घबराहट की वजह कुछ और तो नहीं है? लेकिन अजय के माँ बाप ने बताया कि अजय ने कांटेक्ट किया ही नहीं। एक बात, अजय के माँ बाप काफी डरे हुए लग रहे थे, ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से वो सच बताना नहीं चाह रहे। हो सकता है अजय के फोन कॉल के बारे में उन मुजरिमों को पता चल गया हूँ, और उनमें से कोई अजय के घर वाले के साथ में ही हूँ, जिसकी वजह से वो हमसे कुछ कह नहीं पाए। सर, वो दोनों चचेरे भाई, उनकी शक्लें याद है सर? इतनी बुरी शक्ल, दोनों गुंडे टाइप लग रहे थे। मतलब अजय ही नहीं, उसके माँ बाप की जान भी खतरे में। किसी भी तरीके से उन लंगूरों को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे? पड़ोसी, पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? आपके लिए खाना। हमें खाना नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो अजय भैया को कैसे ढूंढेंगे? आपको खाना लेना ही पड़ेगा। देखो बेटा, हमें भूख नहीं है। आपको खाना लेना ही पड़ेगा अजय की खातिर। अच्छा फिर चलती है। कौन आया है? पड़ोसी की बेटी पूजा खाना लेकर आई थी। मुझे लगा कोई अजय की खबर लेके आया होगा। माँ जी, अजय की खबर? मुझे भी यही लगा कि कोई अजय की खबर लाया होगा। खाने लाए थे ना वो? और कुछ तो नहीं है? अंकल जी, अजय का क्या हो गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसको? अरे इतना घबराए क्यों अंकल जी? कुछ नहीं। कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ, क्या छुपा रहे हो? नहीं नहीं, बात दिखा, आप क्या छुपा रहे? किसका है? अजय का लेटर है। क्या लिखा है? पता चल गया कि वो कहाँ है। भाई साहब, ये अजय के साथ क्या होता जानते हैं? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। मैं नहीं जानता अजय को। यही गांव में रहते हो ना? हाँ, इसी गांव का जी।
है। बहुत होशियार समझ रहा था ना अपने आप को। तेरा टाइम खत्म। गलत कह रहे हो चचेरे भाई। सीआईडी टाइम तो तेरा खत्म। चल मुझ तक तो पहुंच गए, मगर ये मत सोचना कि अजय को बचा लोगे। हमारा पूरा गैंग ढूंढ रहा है उसे। तड़पा तड़पा के मारेंगे उसे, तड़पा तड़पा के। कौन किसको तड़पा के मारेगा बहुत जल्द पता चल जाएगा तुमको। और तू अजय की फिक्र मत कर, बहुत जल्दी वो खुली हवा में सांस लेगा। हैं? अब तो चल चल। आपके यहाँ कोई अजय नाम का आदमी रहता है? अरे ये तो सीआईडी वाले था, ये तो मुझे बचाने आया था। कुछ पता चला अजय का? सर सब जगह देख ली, अजय का कुछ पता नहीं चला। हाँ सर, गांव का हर घर हर गोडाउन छान मारा, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन उस अजय का कोई पता नहीं चल रहा है। इस गांव के दूसरी तरफ चल के देखते हैं। अरे सीआईडी अब क्या करें? अरे इसे छोड़ो, अपनी जान बचा, भाग। देखो सर, रुक जा। क्या हो रहा है यहाँ पे?
और कौन है ये लोग? तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे? कौन हो तुम? मैं अजय। अजय, अरे मिल गया, ये मिल गया ये। अरे मालूम है तुझे, कब से ढूंढ रहे थे हम लोग तुझे। समंदर में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी जान को इतना बड़ा खतरा हो? बताता हूँ। इंसानियत के वास्ते मैं अपने साथियों के साथ उन हेलीकॉप्टर वालों की मदद करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मदद के बदले मेरे साथियों की जान चली जाएगी। तुमने वही किया जो एक अच्छे नागरिक को करना चाहिए, अपने साथियों की मौत के लिए खुद को दोष मत दो। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर के मलबे के पास जब तुम गए थे तो तुमने क्या देखा वहां पर? वहां पे किसी को जिंदा देखा था क्या तुमने? हाँ। और उसकी मदद के लिए वहां पर पहले से एक दूसरी नाव मौजूद थी। कौन था वो जो जिंदा था, तुम जानते हो उसे? सब मारो मत, सब 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 कुछ बता दो। सब हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में सब लोग मारे गए थे सिवा हमारे बॉस के। उन्होंने पैराशूट से पहले ही छलांग लगा दी थी और हम उन्हें अपनी बोट में लेकर चले गए थे। सब सच बोल रहा हूँ। कौन है तुम्हारा बॉस है और कहाँ ले गए तुम लोग? जल्दी बता, अगर हम भी तो मिले तेरे बॉस से। ए, जा, गोली लग जाएगी। बॉस कहाँ है तुम्हारा? कोशिश भी मत करना, सारी मेहनत बेकार जाएगी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे सारे किराए के गुंडे हमारे हिरासत में, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। बड़ा अफसोस हो रहा ना तो? हाँ? कि सीआईडी से मदद क्यों ली? एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, जब तक ये कर्जदारों का झंझट खत्म नहीं हो जाए आप लोग विशाल को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हैं प्लीज? बताओ क्यों किया तुमने? विशाल का दिमाग खराब हो गया था, कर्जदारों के पैसे चुकाने के लिए वो हमारी कंपनी, घर, फार्म हाउस, जेवर, गाड़ी सब कुछ बेचना चाहता था। तो तुमने कंपनी का सारा पैसा विदेशी बैंकों में ट्रांसफर कर दिया, सोचा वहीं जाके नई लाइफ सेट कर लोगी, और यहाँ कर्जदारों को लगता कि चॉपर ब्लास्ट में सारे लोग मारे गए, हमेशा के लिए झंझट खत्म, क्यों? हाँ, इसलिए मैंने केमिकल वाला बॉम्ब टिफिन में डाला और टिफिन विशाल को पकड़ा दिया। Hurry up, sweetheart. We're getting late. मुझे पता था सिक्योरिटी वाले विशाल या उसके हाथ की किसी भी चीज को चेक नहीं करेंगे। और सबके खाने में वो नशीली दवाई इसलिए मिलाई ताकि उनके बेहोश हो जाने के बाद आसानी से पैराशूट से कूद जाओ और फिर वो रिमोट कंट्रोल दबाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, है ना? सर एक बात बताइए, आप बहुत साल से सीआईडी में हैं, इससे बेहतर प्लान आपने कभी देखा? आपके पति जो कर रहे थे ना उसे इंसानियत कहते हैं मैडम। सलाखों के पीछे बैठ के सोचते रहना अपने जुर्म के बारे में, जब सच्चाई का एहसास होगा अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.